नहीं है, स्कूल नहीं है। आप अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में जाते हैं, जिस अमेरिका में अभी ह्यूमन राइट इतना अच्छा से चल रहा है, हमारे यहाँ ह्यूमन राइट का क्या हो रहा है? तो बोलने से तो हम लोग बहुत बोल सकते हैं, लेकिन इतना बोलना नहीं चाहूंगा। आपके पास जितना भी समय बचा है, आप जल्द से जल्द ये तैयार कीजिए, निर्णय लीजिए। छोटे राइट जो भारत में बनाइए, भारत का तरक्की होगा, डेवलपमेंट होगा, पीस होगा, इंटीग्रेशन होगा। आप बड़े बड़े समुदाय को, प्रिविलेज सेक्शन के लोगों को और भी ज्यादा मौका देंगे, अंडर प्रिविलेज लोगों को आप इग्नोर करेंगे, डिनाई करेंगे, डिप्राइव करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ऐसे एक देश का इंटीग्रेशन नहीं चलेगा, देश में अमन नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा, और भी ज्यादा रिवोल्ट होगा, ऐसे देश कैसे डेवलपमेंट होगा? तो इसलिए अभी जो आजादी है इंडिया में, हाफ आजादी चल रहा है, एक ज्योग्राफिकल फ्रीडम, ज्योग्राफिकल एरिया को लेके इंडिया आजाद हुआ है। पॉलिटिकल जो राइट मिला है इंडिया को, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इसका आजादी मिला अपने आप को चलाने के लिए, देश को अपने रूल करने के लिए। लेकिन असली आजादी तब होगा जब देशवासियों को भाषा संस्कृति का अधिकार मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, सोचने का फ्रीडम मिलेगा। अभी हम लोग का सोचने का भी फ्रीडम नहीं है, सोचने का फ्रीडम तब तक हम लोग महसूस नहीं करेंगे जो सोच को हम लोग वास्तव में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, वो तब हमारा सोच बेकार है। तो अभी हमारा एस्पिरेशन ये बेकार हुआ है, इस देशवासियों को अभी एस्पिरेशन रखने का कोई मायने ही नहीं है अगर ये एस्पिरेशन को गवर्नमेंट फुलफिल नहीं करते है। तो इसलिए आप वास्तव में आ जाइए, रियल इंडिया में आ जाइए। और रियल इंडिया में क्या है? अभी लोग जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। रियल इंडिया में ये अभी फार्मर सुसाइड हो रहा है। रियल इंडिया में ये है ट्राइबल अपने जमीन के अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। रियल इंडिया में ये है कि जो उसे समुदाय है वो नीचे वाले समुदाय को अभी भी हेट करता है, इनको घृणा करता है। यही तो अभी का रियल इंडिया है। तो इसीलिए ये रियल इंडिया जो अभी है, इसका हालत आप अगर समझ नहीं पाएंगे तो इंडिया को आप अच्छे से कभी संभाल नहीं पाएंगे, अभी चला नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग आप लोग को यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द आप पॉलिसी डिसीजन लीजिए, एक रूल बनाइए कि छोटा राज्य नया राज्य कैसे बनाएंगे। इंडिया में कोई रूल नहीं है, आपका मन गया तो बना दिया, आपका मन नहीं तो नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं चलने वाला नहीं है, ऐसा चलने वाला नहीं है। ये 5 साल में जो जो मुद्दा आपने देखा, ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, वो सारे मुद्दा से सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया में नया राज्य बनाने का जो मुद्दा है। इसलिए ये नया राज्य बनाने का जो मुद्दा है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो इंडिया में जबरदस्त मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा।